गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगमा और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज एक वेट लॉस का टॉपिक लेके आई हूं। ऑफ कोर्स एक वेट लॉस से रिलेटेड चैनल है, हेल्थ से रिलेटेड चैनल है, तो यहां पे मैं इसी तरह की चीज़ें लेके आती हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है अगेन एक वेट लॉस का टॉपिक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले से बोला हुआ है। सो आज का जो ये वीडियो है, ये टॉपिक है, आप मैं मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि कितना अच्छा आपका ये वेट लॉस करेगा, कितनी अच्छे से बॉडी को क्लीन करेगा, डिटॉक्स करेगा। शादियों का सीज़न है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपसे भी हो रहा होगा, या फिर जो लोग नहीं कर पाते उनके साथ भी ऊपर नीचे होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जो लोग टहल नहीं पाते हैं, ये उनके लिए एक किसी भी वरदान से कम नहीं है। अगर आपने इसे शामिल कर लिया अपनी डेली रूटीन में, तो विदाउट एक्सरसाइज अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो रहा है तब भी ये वजन कम करेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आपके शरीर की बहुत अच्छे से सफाई करेगा, यानी कि शरीर के कोने कोने से गंदगी, चर्बी और जो भी फैट जमा है उसे पूरी तरह से निकाल के फ्लैश आउट कर देगा। तो अगर मैं इतनी बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं कुछ तो इसमें होगा ही। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। बताने से पहले, जैसा कि आपको पता है कि मैं हैशटैग वुमेन हाइजीन पे इसे मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, तो हाइजीन का नेक्स्ट पार्ट है एवरटीन का नेचुरल इंटीमेट वॉश। क्योंकि जैसे कि आप अपने फेस के लिए अलग चीज़ लेते हैं, फुट क्रीम अलग लेते हैं, हैंड क्रीम अलग लेते हैं, ठीक है, आई क्रीम अलग लेते हैं, ठीक उसी तरह आपको वेजाइना के लिए भी वॉश अलग लेना चाहिए। और ये इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि हमारा पीएच लेवल वहाँ का, यानी कि हमारी वजाइना का और हमारे दूसरे अदर पार्ट्स का पीएच बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट होता है, और इसीलिए हमें उसके पीएच को बैलेंस करने के लिए एक अच्छा इंटीमेट वॉश चाहिए, जो कि आप अपने पीरियड्स के दिनों में भी यूज़ कर सकते हैं और मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, जिनको भी वाइट डिस्चार्ज की वजह से वहाँ पर खुजली रहती है या फिर इन्फेक्शन ज्यादा रहता है, उनके लिए भी ये काफी अच्छा। और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को मैं इसलिए भी रिकमेंड कर रही हूँ बिकॉज मार्केट में बहुत ही सस्ता है ये, मतलब कि और देख रहे हैं कि ऑलरेडी ये मतलब ये मैं आपको गिनती भी नहीं बता सकती ये कौन सी बॉटल किस कितने नंबर की ये बॉटल है। और हमेशा मैं इसी को यूज़ करती हूँ, पीएच बैलेंस को बहुत अच्छे से मेंटेन करेगा आपको, हर तरह से अच्छा है, 100% नेचुरल है और मतलब एक्स्ट्रामाइड फॉर ऑल स्किन टाइप है। साथ ही साथ जैसा कि मैंने बोला कि जो मैंने अदर ब्रांड्स का देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी किसी भी ब्रांड का, उसमें क्या होता है कि उसमें नेचुरल चीजें नहीं होती हैं और मुझे ये एक 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ मिला, इसलिए मैं इसे यूज करूं। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके परचेज कर सकते हैं। और जो चीज पर्सनली मैं यूज करती हूं वही चीज मैं आपको हमेशा रिकमेंड करती हूं, इसीलिए कभी भी ऐसी चीज नहीं रिकमेंड करती हूं कि जो चीज मैं नहीं यूज करती हूं, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन। फ्रेंड्स, त्रिफला जिसे आयुर्वेद में अमृत भी कहा जाता है, त्रिफला को आयुर्वेद में दूध के समान भी माना गया है, माँ के दूध के समान भी माना गया है। यदि आपके पास त्रिफला है तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसका सार यह है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसी तरह त्रिफला शरीर के आंतरिक अंगों की देखभाल कर सकता है। तो यहाँ पर मैं पतंजलि का त्रिफला चूर्ण ले रही हूँ और जिसकी कीमत 23 रुपये हैं। तो इससे सस्ता वेट लॉस का जरिया आपको कोई भी नहीं मिलेगा, तो आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 कप वाटर ले रही हूँ, इसका मेज़रमेंट यही है। अगर आप 1 गिलास पानी ले रहे हैं तो आपको 2 गिलास पानी बाद में 1 गिलास और डालना चल पड़ेगा, उतना आप पी भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 1 कप ही पानी ले रही हूँ, और अगर आप नाप से बोलेंगे तो ये 150 ग्राम पानी है, यानी कि 150 ml आपको पानी लेना है या फिर 1 कप। तो आपको यहाँ पे लगभग 2 चम्मच त्रिफला चूर्ण को रात भर ऐसे ही सोक करके रख देना है, रात भर इसको ऐसे ही रख देना है, जैसे जो भी इसमें है वो अच्छे से इस पानी में सारे एक्सट्रैक्ट आ जाए और सब कुछ गल जाए।
तो यहाँ पे मैं इसे रात भर के लिए ऐसे ही रख दूंगी। तो इसे आपको रात भर के लिए ऐसे ही रख देना है। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इसे एक पैन में डालना है और इसके बाद एक कप वाटर आपको और लेना है और जो कुछ भी इसके नीचे बैठा है उसे आप स्पून की हेल्प से पूरा हिला के इसे अब आपको नेक्स्ट क्या करना है कि इसे चढ़ा दीजिए और जब तक ये एक कप ना रह जाए आपको धीमी आँच पे इसे रखना है। तो आपको इसे तब तक पकाना है जब तक ये एक कप ना रह जाए यानी कि एक कप पूरी तरह से जल जाए। तो इसे आपको तब तक ही पकाना है। फ्रेंड्स, त्रिफला तीन प्रकार की जड़ी बूटियों से बना होता है और यह हमारे आंतरिक सफाई को बढ़ावा देता है और जो भी हमारी बॉडी में जमाव या अधिकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है उसे कम करता है और पाचन तंत्र और पोषक तत्वों के सम्मिलन को बेहतर बनाता है। फ्रेंड्स, आयुर्वेद का यह त्रिफला जो चूर्ण होता है यह हमारे वात पित्त तीनों दोषों को दूर करने वाला है और ये गुण दुर्लभ होता है और बहुत ही कम औषधियों में भी यह गुण। फ्रेंड्स, आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल चलते होंगे कि त्रिफला हमारे वजन को कैसे कम करेगा और बहुत से लोग शायद इसकी बेनिफिट जानते भी हों, लेकिन मैं यहाँ आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि ये कैसे आपके वजन को कम करता है। फ्रेंड्स, जब हम बहुत सारे जंक फूड या कुछ इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो उसके लिए हमारे पेट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जिसके द्वारा पेट में काफ़ी वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है और वह हमारी बड़ी आँत में जमा हो जाता है और यह फंसा हुआ वेस्ट पदार्थ अनेक तरह की बीमारियों और कीड़ों को जन्म देता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और इसी से हमारे खून में टॉक्सिन अधिक पैदा हो जाता है। हालांकि ये चीज़ आपको सुनने में ना अच्छी लगे, लेकिन यदि आपका वेट कम करना चाहते हैं और अच्छा स्वास्थ्य रखना चाहते हैं तो आपको यह जान लेना ज़रूरी होगा कि यदि पाचन तंत्र खराब होगा और आपका शरीर न्यूट्रिशन की कम मात्रा को कम से कम अवशोषित करेगा चाहे आप जितना खाएं, इसके परिणाम स्वरूप आपको ज़्यादा भूख लगेगी और आपका वेट गेन होगा। इसके अलावा आप थकान महसूस करेंगे और किसी काम को करने में आपका मन भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे मेरा जो है वो एक ग्लास वाटर बचा है तो अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। तो ये इस तरह से ही आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से क्लींस करेगा। और फ्रेंड्स, वेट लॉस का सबसे पहला नियम यही है कि आपका पेट जो है पूरी तरह से सही होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार की कब्ज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ड्रिंक है वो रेडी है, आपको सुबह इसे खाली पेट लेना है और इसी तरह गरम गरम आप इसे पीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आसान है और एक बार ट्राई करिएगा, जैसा रिव्यू हो मेरे साथ ऑनेस्ट रिव्यू जरूर शेयर करिएगा और ट्राई जरूर करिएगा मेरे कहने से। और 10 दिन में ही इसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे दिखने लगेगा। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।